सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ये प्रमाण है कि आनंद सिर्फ प्रभु के चरणों में, सच्चिदानंद रूपा। तो भगवान कृष्ण का स्वरूप परिचय दिया, सत चित और आनंद स्वरूप। अब देखो करते क्या है वो। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, क्या करते हैं प्रभु? विश्व का सर्जन, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये तीन कार्य है प्रभु के। संसार को बनाते हैं, संसार का पालन करते हैं और एक दिन संसार का लय भी कर देते हैं। ये भगवान का सामर्थ्य, जन्म देना, पालन करना और संहार करना। और मजे की बात देखो, जन्म देते हैं तो कोई मोह नहीं, पालन करते हैं तो कोई अभिमान नहीं, और संहार हो जाता है उसके बाद कोई शोक नहीं। ये सामर्थ्य है असली। तो हम भी बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन कितना मोह होता है। हाँ, परिवार का पालन करते हैं तो परिवार के मुखिया को कितना अभिमान होता है, उसके हिसाब से घर न चले तो कितना उपद्रव मचाकर रख देते हैं हम लोग। और परिवार का कोई सदस्य यदि मर जाए तो कितना शोक होता है, कितना दुख होता है। हाँ, लेकिन मेरे प्रभु का यही तो सामर्थ्य है, सारे विश्व का पालन करते हैं, हर जीव का पालन करते हैं तब भी कोई अभिमान नहीं। हर जीव का पालन, हम तो एक परिवार का पालन करते हैं तो उसमें कितने अकड़ में रहते हैं। हाँ, और प्रभु को देखो, 84 लाख योनियां और उसमें असंख्य जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, 84 लाख योनियां और कितने असंख्य जीव, उन सभी का पालन परमात्मा की जिम्मेदारी। और हर जीव को प्रभु उठाता भूखा जरूर है लेकिन सुलाता भूखा नहीं। शाम होते 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 हर जीव को मालिक रोटी की व्यवस्था कर देते। ये प्रभु का सामर्थ्य है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। अब चिड़िया कौन सी जॉब करती है, अजगर कौन सी नौकरी करने जाता है, पड़ा रहता है एक जगह, लेकिन परमात्मा उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये प्रभु का सामर्थ्य है। और इतने बड़े सामर्थ्यवान होने के बाद भी भगवान ने कभी भी बदले में हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखी। सरकार हमें बिजली देती है तो हर महीने बिल हमारे यहां पकड़ा देती है। हाँ, जो ईमानदारी से जलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कटिया फंसाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी से जो जलाते हैं बिजली, हर महीने सरकार उनके घर बिल भेज देती है। सोचो भगवान ने कितने युगों से हमें सूर्य की रोशनी दी है लेकिन बदले में भगवान ने हमसे कभी बिल नहीं मांगा कि मैंने तुझे सूर्य की रोशनी दी, तेरे लिए मैंने वायु की व्यवस्था की, श्वास लेने की व्यवस्था की। जब आदमी बीमार हो जाता और हॉस्पिटल में कभी उसको ऑक्सीजन लगता है तो सिलेंडर का भी किराया होता है। हाँ, जितना श्वास लेते हैं आप उसका भी वो किराया जोड़ते हैं। और सोचो परमात्मा ने हमको ये सारी व्यवस्थाएं फ्री में दी, कितना बड़ा सामर्थ्य है उसका। और मजाल है कि कोई भी अपनी ड्यूटी में जरा भी विलंब कर दे, ठीक समय हुआ और सूर्य का घोड़ा आकाश में, ठीक समय हुआ सूर्य अस्त हुए और चंद्र उदित हुए,
क्या व्यवस्थाएं हैं मालिक की, और इतने सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी जरा स्वभाव तो देखो, हमारे पास थोड़ी सी व्यवस्था आ जाती है तो इतने अकड़ में हम आ जाते हैं। हाँ, नीचे देखते ही नहीं फिर तो, इतने अकड़ में कई लोग हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रभु का स्वभाव तो देखो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साधु लेभे गतिं धाम त्रुतितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजे। बक की बहन बकी पूतना आई थी अपने स्तन में जहर लगाकर कृष्ण को मारने, लेकिन गोविंद ने जब उसका स्तन पान किया ना तो गोविंद के आंख में आंसू आ गए, ये तो मेरी मां बन गई, क्योंकि स्तन पान कराने का कार्य तो मां का। और जो गति अपनी मैया यशोदा को देनी थी भगवान को, वही गति पहले भगवान ने पूतना को दे डाली। कौन होगा ऐसा दयालु, मारने वाली को भी जो मां समझकर मोक्ष प्रदान करे, ऐसा दयालु कौन होगा। इसलिए तो संत जन गाते हैं, ऐसो को दार जग सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।